छेड़खानी के विरोध पर चौरी चौरा क्षेत्र टेलहनापार गांव में शुक्रवार की शाम को सिपाही पुत्र ने ब्यूटी पार्लर संचालिका की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त वह टहलने निकली थी। हत्या की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी और आरोपितों की गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि चौरी चौरा थाना क्षेत्र के टेलहनापार निवासी नीरज कन्नौजिया की पत्नी 32 वर्षीय आशा देवी डुमरी खास में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि उनके पति नीरज कन्नौजिया गाड़ी चलाते हैं। आरोप है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल गांव के ही कमलेश यादव का बेटा आशा देवी के परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी करता था। वो अक्सर ब्यूटी पार्लर पर भी पहुंचकर महिला को परेशान करता था। आशा देवी इसका विरोध करती थी। वहीं शुक्रवार की शाम को भी सिपाही पुत्र ने आशा देवी के परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी की। इस पर आशा देवी ने उसके घर जाकर शिकायत की। सिपाही पुत्र को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने घर वालों से कहा कि वह उसे जानबूझकर छेड़खानी में फंसाना चाहती है। इसके बाद सिपाही पुत्र और उसके परिवार वाले मारपीट के लिए आशा देवी के घर पर चढ़ गए। आरोप है कि सिपाही पुत्र ने ईंट से मारकर उनका सिर कूंच दिया। गंभीर रूप से घायल आशा देवी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने कहा, कल शाम को चौरी चौरा के ग्राम केलिना पार में दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मेडिकल कॉलेज ले जाते ले जाते देर शाम सिर की चोट के कारण उनका देहांत हो गया। प्रकरण में एक तहरीर 6 लोगों के खिलाफ आई। जांच करने पर पता चला कि जो अभियुक्तगण काफ़ी मनगण प्रश्न के थे और आई थिंक गुड़िया पर बैठने को लेकर उस लेडी और उसकी गुटिया के आगे जाने के कारण कहा सुनी होती कल भी हुई और बाद में वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुँच गई। इसमें लड़ी चोटों के कारण लेडी का निधन हो गया। पुलिस स्थिति में लगातार दविश बनाकर कार्रवाई करते रही। कई बार हमने एक ही और अगली मॉर्निंग एक और दो अभियुक्त अंकित और उसकी माँ, इन दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अन्य की तलाश जारी।